लालची राजा। कई वर्षों पहले यूनान में मिदास नाम का एक लालची राजा राज्य करता था। उसे अपनी पुत्री व सोने को छोड़कर और किसी से प्यार नहीं था। वह रात को सोते हुए भी सोना इकट्ठा करने वाला सपना देखा करता था। एक दिन वह सोने की ईंट और सोने के सिक्के गिन रहा था कि एक देवदूत ने आकर कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं कहां से धनी हूं, मेरे पास तो थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत ने कहा, क्या तुम्हें इतने सोने से संतुष्टि नहीं है, तो और कितना सोना चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह वस्तु सोने की हो जाए। देवदूत हंसता हुआ बोला, कल सवेरे तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगा, वह सोने की हो जाएगी। खुशी के कारण राजा की रात में अच्छी सी नींद तक नहीं आई। राजा जब सुबह उठा और उसने एक कुर्सी को हाथ लगाया, वह सोने की हो गई। एक टेबल को छुआ तो वह भी सोने की हो गई। अब वह खुशी के मारे उछलने और नाचने लगा। पागलों की तरह दौड़ता हुआ बगीचे में चला गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने अपने हाथ से जो कुछ भी छुआ वो सब का सब सोने का होने लग गया। अब उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी। खुशी के कारण उसे अभी तक पता नहीं था कि उसके कपड़े भी छूने के कारण सोने के होकर भारी हो गए हैं। भूख लगने पर उसने नौकरों को भोजन लाने के लिए आदेश दिया। भोजन जैसे ही खाने के लिए हाथ से छुआ तो रोटी सब्जी दाल चावल आदि सभी सोने के होने लग गए। वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। पिता को दुखी देखकर उसकी पुत्री दौड़कर वहां आई। आराम देने के लिए पिता से लिपट गई तो पुत्री को छूते ही वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब मिदास सिर पटक पटक कर रोने लगा। दयावश देवदूत फिर से प्रकट हुआ तो मिदास देवदूत से कहने लगा, अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, एक टुकड़ा रोटी ठीक है या सोना। अब मिदास बोला कि सोने के बिना काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और रोटी के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। दयाकर देवदूत ने एक कटोरी में जल दिया और कहा, इसे प्रभावित जगह पर छिड़क दो, सब पहले की तरह हो जाएगा। अति किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती है।